दीपावली पर्व आ रहा है, परमात्मा महावीर का निर्वाण कल्याण, नूतन वर्ष गुरु गौतम का केवल ज्ञान कल्याण। और ऐसा अद्भुत दीपावली पर्व जब आ रहा है, तब कहा जाता है कि जब जब दीपावली आवे, हर साल बड़ा आनंद उल्लास लेकर के आती है, बड़ा उमंग लेकर के आती है। लेकिन कहा गया कि समझिएगा, दीपावली में सफाई की बड़ी आवश्यकता है, बिना सफाई दीपावली बेकार है। दीपावली में यदि हमने सफाई नहीं करी तो फिर दीपावली क्या? दीपावली में यदि हमारी सफाई नहीं हुई तो दीपावली हमारे लिए निरर्थक हो जाती है। इसलिए जब जब दीपावली के दिन नजदीक आते हैं, लोग सफाई में लग जाते हैं, लोग साफ सफाई में लग जाते हैं, लोग सफाई करने लग जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझिएगा, यदि दीपावली को सार्थक बनानी है तो तीन चीजों की सफाई बड़ी आवश्यक है, हमें करनी पड़ेगी। वरना तो हर साल परमात्मा का निर्वाण कल्याण गाता है, हर साल महावीर प्रभु का निर्वाण कल्याण गाता है, हर साल गुरु गौतम का केवल ज्ञान कल्याण गाता है, आता है और चला जाता है। हम तो ठहर के ठहर वहां के वहां हम कहीं नहीं पहुंच पाते। और इसीलिए मैं आपको गजब की बात बताना चाह रहा हूं कि समझिएगा, यदि दीपावली को आप सार्थक करना चाहते हो, दीपावली को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सफाई होनी जरूरी है। और कौन सी सफाई? कहा कि तीन तरह की सफाई ये दीपावली को सफल बना देगी, सार्थक बना देगी, बेनमून बना देगी, बेहतर बना देगी। अगर सही मायने में हम तीन तरह की सफाई कर पाए तो कहीं ना कहीं ये दीपावली भी हमारे लिए बेहतर बन जाएगी। कहा पहले नंबर में आवास की सफाई, घर की सफाई। हमारा कहा गया कि पूरे साल में घर में कई नेगेटिव लोग आते हैं, कई नेगेटिव चीजें आती हैं, हमारे विचारों से घर नेगेटिव बना है, हमारी भावनाओं से कहीं ना कहीं कलुषित बना है, हमारे अंदर अंदर के झगड़ों की वजह से, अंदर अंदर के राग द्वेष की वजह से, अंदर अंदर के एक दूसरे के मन मुटाव की वजह से कहीं ना कहीं घर में नेगेटिव स्रोत भरा हुआ है, नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए जब यदि सफाई निकी जाए तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते हमें परेशान कर देती है। और फिर एक दिन घर में ऐसा आ जाता है जहां हमें घर जाने को मन नहीं करता। इसीलिए कहा कि हर दीपावली की पहली सफाई आवास का, आवास को साफ करो। पहले हमारे यहां क्रम होता था, दीपावली के 10-15 दिन पहले से शुरू हो जाती थी सफाई, रंगाई पुताई, जिसकी जैसी अनुकूलता, जिसके पास जैसा द्रव्य, जिसके पास जैसी शक्ति। लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली के पहले सफाई अभियान जरूर होता था, आवास की सफाई। कहा कि आप जो घर में रहते हो उसकी सफाई बड़ी आवश्यक है, नेगेटिव ऊर्जा का निकलना बड़ा जरूरी है, पॉजिटिविटी का जीवन में प्रवेश होना बहुत जरूरी है, घर में प्रवेश होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जब दीपावली पर्व नजदीक आ रहा है, जब दीपावली हमारे सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं जीवन में समझिएगा पहली सफाई आवास की, अपने घर को साफ कीजिए। हमारे यहां तो यह भी परंपरा थी कि दीपावली के पहले जिन मंदिरों को साफ किया जाता था, उपाश्रयों की सफाई की जाती थी, सभी श्रावक श्राविकाएं जुड़ करके। ऐसा नहीं पुजारी को बोल दिया तो पानी लगा दे, साफ कर देना, सुबह वहां आके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, वो सफाई नहीं। अरे परमात्मा जो घर में रहते हो, परमात्मा जो मंदिर में रहते हो, उसकी भी सफाई, क्योंकि दीपावली है, दीपावली पर्व सफाई का है, सफाई होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा कि जो मंदिर है उसकी भी सफाई हो, और अलग 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 तरीकों से, अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग सामग्रियों से, जिन प्रतिमा की सफाई हो, जिन मंदिर की सफाई हो, जहां हमारे गुरु भगवंत रहते हो वो उपासना की सफाई हो। हमारे यहाँ परंपरा थी दीपावली आने सफाई का पर्व है, क्योंकि सफाई होगी तो अंदर दीप प्रज्वलित होगा, सफाई होगी तो आनंद होगा, सफाई होगी तो भीतर से एक उत्साह का वातावरण प्रकट होगा। और आप देख लेना, आप प्रैक्टिकल अनुभव करके देख लेना, आप कचरे के ढेर के बाजू में बैठे हो और आपके विचार क्या है, और आप एक साफ सुथरी जगह पर बैठे हो और आपके विचार क्या है, आपको पता चल जाएगा सामने सामने। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं, हम खुद अनुभव कर सकते हैं कि सफाई की ताकत क्या है। इसीलिए कह रहा हूं कि समझ लीजिएगा, जब दीपावली पर्व नजदीक आ रहा है तो तीन तरह की सफाई बड़ी आवश्यक है। सबसे पहले नंबर में आवास की सफाई का, दूसरे नंबर में अंदर की सफाई। ये तो हो गई बाहर की, बाहर की तो आपके बदले आपका नौकर कर लेगा, आपके आज भी कर लेंगे, आपके घर के लोग कर लेंगे, आपके परिवारजन कर लेंगे। लेकिन कहा के भीतर की सफाई, भीतर में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, भीतर में जो कंकड़ पड़े हुए हैं, भीतर में जो गंदगी पड़ी हुई है, भीतर में जो कसाई पड़े हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ पड़े हुए, इससे असूया पड़ी हुई है, काम वासना पड़ी हुई है, कहा कि भीतर में जहां जहां तुझे महसूस हो कि यहां गंदगी है,
और हम जानते हैं हमारे भीतर, और कोई जाने न जाने, हम बखूबी जानते हैं, हमें पता है कि मेरे में अहंकार है, मेरे में क्रोध है, मेरे में मिथ्यात्व है, मेरे में श्रद्धा नहीं है, हम बखूबी जानते हैं। इसीलिए कहा कि पहले नंबर में आवास की सफाई, दूसरे नंबर में अंदर की सफाई, ताकि भीतर को भी थोड़ा साफ करो थोड़ा। इसीलिए दीपावली के अवसर पर परमात्मा ने उत्तराध्यान सूत्र क्यों कहा? भीतर की सफाई करने के लिए कहा कि हे जीव, तू समझ ले जीवन कैसा हो, किस तरह से जीवन जीना, जीवन में जहां जहां तू गंदगी लेकर के बैठा है उसको किस तरह से हटाना। इसलिए परमात्मा महावीर ने उत्तराध्यान सूत्र देशना दी। जीवन के अंतिम दो दिन लगातार 48 hours लगातार 48 घंटे परमात्मा कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे, क्या कहते रहे? भीतर की सफाई। परमात्मा महावीर ने कहा कि भीतर को साफ करो। और बाह्य सफाई तो सरल 2-4 साधनों से हो जाती है। आपके पास झाड़ू है, आपके पास पोछा है, आपके पास सफाई सफाई के साधन सामग्री है, बाह्य सफाई तो हो जाएगी और वो तो एक दिन में हो जाएगी, लेकिन भीतर की सफाई करना साधना है। इसलिए हमारे यहाँ पे दीपावली पर्व भी तप त्याग के साथ मनाने को बताया गया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, समझिएगा, अंदर को थोड़ा साफ करना, जहां जहां आपको लगे कि ये एक्सेस हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अभिमान ज्यादा हो रहा है, इस साल पूरे साल में अभिमान ने बहुत परेशान किया, उसको थोड़ी कटाई करो, सफाई करो। आपको लगे कि इस साल क्रोध ने बड़ा परेशान किया, उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करो। पहले नंबर में आवास की सफाई, दूसरे नंबर में अंदर की सफाई, और तीसरे नंबर में आसपास की सफाई। कहा आसपास की सफाई कैसे? कहा कि देखो परखो, नया साल यानी पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर के आने वाला साल। आपकी आसपास में जहां भी नेगेटिव तत्व हो, जहां भी नेगेटिव इंसान हो, कहीं नेगेटिव लोग से आप जुड़ गए हो, कहीं नेगेटिविटी वाले आदमी से आप जुड़ गए हो, उसको भी हटाओ। ये तो सफाई का पर्व है, यहाँ हर तरह से सफाई होगी, अंदर से सफाई होगी, बाहर से भी सफाई होगी। जहां जहां आपको लगे कि मेरे सर्कल में 4 लोग ऐसे जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, जिसके पास हमेशा नेगेटिविटी मिलती है, जिसमें दोष दुर्गुण इतने हैं कि शायद वो मेरे में आ सकते हैं, जो व्यसनी है, जो व्यभिचारी है, जो दुराचारी है, जो दारू पीता है, जो व्यसन करता है, ऐसे सब लोगों से कट ऑफ करना सीख लो। आसपास की भी सफाई बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य है, हमारे ऊपर आसपास के माहौल का बड़ा असर होता है। आप चाहो ना चाहो, आप ना मन की साधना कर पाते हो, आप ना मन को संभाल पाते हो, अरे कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि भी आसपास के माहौल को कंट्रोल करना उनके लिए भी थोड़ा दुष्कर हो जाता है। आप तो सामान्य संसारी हो, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम वो रास्ता ही ना पकड़े, हम वो लोगों के साथ में संपर्क में ना रहे जो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाते हो, जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर नेगेटिविटी भरते हो। इसीलिए कहा कि आसपास की भी सफाई करो। जहाँ आपको लगे कि मेरे संबंध में, मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई व्यभिचारी, कोई दुराचारी, कोई व्यसनी, कोई दारू पीने वाला, कोई ये, कोई ये, भले आपको लगता हो कि इससे मुझे मुनाफा बड़ा हो रहा है, उससे मुझे फायदा बड़ा हो रहा है, लेकिन समझ लेना जब नुकसान पे बात आएगी तो इतना भयानक नुकसान होगा कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। अच्छे माहौल में रहे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, धर्मी जन के संपर्क में रहे। अरे कहा गया कि एक भी सज्जन मित्र हो तो हमारी गाड़ी चल जाती है, और दुर्जन 1,000 हो फिर भी क्या काम का, हमको गिराने का ही काम करेंगे, हमको नीचे गिराने का ही काम करेंगे। एक स्वजन दिल से जुड़ा हुआ हो, हमारा कोई बड़ा लंबा चौड़ा स्वजनों का परिवार ना हो, एक स्वजन दिल से जुड़ा हुआ हो तो भी गाड़ी चल जाएगी। हमें 100-200 स्वजनों की जरूरत नहीं है, हमें 200-500 हजार मित्रों की जरूरत नहीं है, एक काफी है। लेकिन कैसा हो? जो हमारा हित सोचने वाला हो, जो हमें गिराने वाला ना। और इसलिए जब दिवाली पर्व आ रहा है तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा सफाई अभियान बड़ा जरूरी है, और तीनों चीज की सफाई करते चले। सबसे पहले नंबर में आवास की सफाई, अपने घर को साफ करें, जिनालय में जाकर के सफाई करें, उपाश्रय में जाकर के सफाई करें, क्योंकि ये सफाई का पर्व है। कहा दूसरे नंबर में अंदर की सफाई, भीतर में भी थोड़ा झांके, भीतर में भी थोड़ा देखे, भीतर में भी यदि किसी के प्रति द्वेष पड़ा हुआ है, किसी के प्रति गलत भाव पड़े हुए हैं, जाकर के बैठिए, बात करिए, उसको भी क्लियर करिए, उसकी भी सफाई करिए। और कहा तीसरे नंबर में आसपास की सफाई, जहां जहां आपको ये फील होता हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए नुकसानदेह है, उससे दूर रहने की कोशिश करो, तभी जाकर के दीपावली पर्व हमारे लिए सार्थक हो पाएगा। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।